हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मटन स्टू बनाने की रेसिपी। अगर आप मटन स्टू एक बार बनाएंगे तो मटन करी बनाना और खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। खड़े मसाले इसमें यूज होते हैं। तो हमने मटन ले लिया है 300 ग्राम। इसको हमने धो लिया है, छोटा छोटा टुकड़ा हमने कर लिया है। और इधर 2 प्याज बड़े साइज़ का हमने काटा हुआ है, 4 ये लाल मिर्च है, 2 हरी मिर्च है, और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची और बड़ी इलायची 1 है, और लौंग है। ऑयल हमने गरम कर लिया है 2 टेबल स्पून। ये सरसों ऑयल है। 1 टीस्पून हमने इसमें जीरा डाला, और इसमें हम लाल मिर्च को डाल देते हैं, सूखा लाल मिर्च जो है, और ये प्याज और मसाले जो हमने लिए हैं खड़े मसाले उसको हम डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे, और ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, इसको ट्रांसपेरेंट सा हो जाए प्याज, बस उसके बाद ये मटन को डाल देना है, क्योंकि मटन स्टू में ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से हम डाल कर चला लेते हैं, और हरी मिर्च को डाल देते हैं, क्योंकि हमने पहले हरी मिर्च ऐड नहीं किया है। तो इस तरीके से हमने डाल दिया। 1 चम्मच धनिया कूटा हुआ, 1/2 चम्मच काली मिर्च कूटा हुआ इसमें हम डालते हैं, क्योंकि इसी तरीके से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 2 चम्मच अदरक लहसुन, ये पेस्ट नहीं है, क्रश किया हुआ है। तो सभी हम खड़े मसाले यूज कर रहे हैं, इसीलिए इस तरीके से अगर आप डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें पाउडर का यूज ना करें तो बेहतर है। और 1 टीस्पून इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर, और 2 टमाटर इसको डालकर हम मिक्स कर लेते हैं। नमक हम डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून हमने नमक लिया है, और सभी को मिक्स कर लेते हैं, और इसको हम पका लेते हैं, क्योंकि मसाले भी हमारे इसके साथ पक जाएंगे और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम चला रहे हैं, और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, बनाने में भी बहुत ईजी है, और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये मसाले हमारे भुन चुके हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसको गलने के लिए थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। तो हम 1/2 ग्लास इसमें पानी डाल रहे हैं, पानी बहुत ही कम यूज होता है इसमें, थोड़ा सा गलने के लिए आप डालें तो बिल्कुल परफेक्ट अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से हमने पानी डाल करके मिक्स कर लिया है, और हम ढक्कन लगाएंगे और 1 सीटी आने देंगे मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद लो फ्लेम पे 6-7 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम प्रेशर को अपने आप ठंडा होने देंगे। तो ये सीटी लग गया है, अब प्रेशर को हम अपने आप ठंडा होने देंगे 5-6 मिनट के बाद, क्योंकि लो फ्लेम पर थोड़ा सा पकने देंगे, बहुत अच्छा से ये गल जाता है। तो ये प्रेशर ठंडा हो गया है, अब हम दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मटन स्टू बना है। थोड़ा सा पानी जैसा लग रहा है, तो इसको हम सूखने देते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारा नूर मोदी केयर को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।